और आज यूपी में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा, प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत करेगी। बाराबंकी से शुरू होगी कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा। जैतपुर में जनसभा भी करेंगी प्रियंका गांधी। बाराबंकी से बुंदेलखंड तक ये प्रतिज्ञा यात्रा रहने वाली है। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने इसकी जानकारी दी है। तो प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा यात्रा है, हरी झंडी वो प्रतिज्ञा यात्रा को दिखाएंगे। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं लाइव। प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत करेंगी और इस समय जो प्रतिज्ञा यात्रा में कार्यकर्ता यहां पर शामिल होंगे उनकी ओर से अभिवादन को स्वीकार करती यहां पर प्रियंका गांधी नजर आ रही है। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने इसकी जानकारी दी है। आज यूपी में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा रहने वाली है। प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत यहां की जा रही है। तो जयपुर में जनसभा भी करेंगी प्रियंका गांधी। बाराबंकी से लेकर बुंदेलखंड तक ये प्रतिज्ञा यात्रा रहने वाली है। ये सब बात कर रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? माइक मुंह में दिया हुआ है क्या? पीछे करो, हाथ पीछे करिए, हाथ कहीं लग रहा है कांटा। पीछे आइए, पीछे करिए, पीछे आइए। देख सकते हैं इस समय जो लोग आपका काम सिक्योरिटी करना है, काम यहाँ मौजूद है प्रियंका गांधी का सत्कार करते फिलहाल नजर आ रहे हैं। महिलाएं यहाँ पर इस सत्कार में शामिल है। बाराबंकी से सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की ओर से प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाई जाएगी, लेकिन उससे पहले जो लोगों की ओर से अभिवादन किया जा रहा है उसे स्वीकार कर रही हैं यहाँ प्रियंका गांधी और अपने अपने तरीके से यहाँ पर लोग प्यार जताते भी नजर आए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें या सपा की बात करें, तमाम ये राजनीतिक दल इस कोशिश में जुटे हैं कि आम जनता के मन में अपनी पार्टी के प्रति भरोसा बनाया जाए। और ऐसे में इन कोशिशों के बीच प्रचार का सिलसिला जारी है। प्रचार और प्रसार जोर शोर से किया जा रहा है, कहीं रैलियों के जरिए तो कहीं सम्मेलनों के जरिए जनता के दिलों में जगह बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बाराबंकी से, जहां पर प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत करेगी। प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत करेंगी और साथ ही ये भी जानकारी आपको दे दें कि इस दौरान जमकर वो बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधती नजर आएंगी। आखिरी प्रतिज्ञा 20 लाख को सरकारी रोजगार। अब मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको समझाना भी चाहती हूँ। देखिए, जहां तक महिलाओं की हिस्सेदारी है, मैं पहले भी कह चुकी हूं और बार बार ये कहूंगी कि महिलाएं जब तक आगे नहीं बढ़ेंगी, जब तक राजनीति में पूरी तरह से महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी, तब तक जो समस्याओं से मेरी बहनें हर रोज लड़ती हैं, जिन संघर्षों का सामना करती हैं, जिन परिस्थितियों से निकलकर लड़कर आगे बढ़ती हैं, वे समस्याएं हम कभी दूर नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आग्रह है सब महिलाओं से, मेरी बहनों से, आगे बढ़िए, राजनीति में आइए। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट देकर चाहती है कि आप आगे बढ़ के अपनी लड़ाई खुद लड़ें और आप सक्षम बने। एक महिलाओं के लिए हम एक अलग घोषणा पत्र जारी करेंगे, वो कुछ एक हफ्ते के करीब में निकलेगा। उसमें महिलाओं के लिए जो अलग अलग हमने घोषणाएं करनी है वो सारी उसमें होंगी। उसमें से सिर्फ एक घोषणा ये है कि जो 12वीं पास लड़कियां हैं उन सबको स्मार्टफोन दिया जाएगा अगर हमारी सरकार आएगी, और जो स्नातक पास है उनको ई स्कूटी दी जाएगी। अब कोई कह सकता है कि एक तोहफा है, वोट चाहिए इसलिए दे रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। ये तोहफा नहीं है, ये एक माध्यम है, एक जरिया है जिससे आप सशक्त बन सकती हैं। आज जो स्मार्टफोन है उसके जरिए महिला अपनी सुरक्षा करती है, और जो ई स्कूटी है
जो छात्राएं हैं, जो पढ़ रही हैं, जिनकी पढ़ाई हो गई है, जो नौकरी के लिए जाना पड़ता है उनको, इससे उनको बहुत सुविधा होगी। तो ये एक पहली प्रतिज्ञा है। लेकिन जो महिलाओं के लिए बाकी प्रतिज्ञाएं हैं वो सब हमारे घोषणा पत्र में, जो हम एक हफ्ते में जारी करेंगे, उसमें होंगे। किसान आज बहुत ही त्रस्त है। आप सबने देखा होगा कि किस तरह से खेरी में मोदी जी के मंत्रालय के एक मंत्री के बेटे ने एकदम क्रूरता से गाड़ी चलाकर 6 किसानों को मार डाला। ये एक ऐसा हादसा है जिससे पूरे देश को समझ में आ रहा है कि इस सरकार ने किसानों को कितनी अहमियत दी है। जिसने किसानों को कुचला उसको गिरफ्तार करने में इन्होंने कितनी देरी की, और आज तक उसका पिता जो उसको बचा रहा वो आज तक मोदी जी के मंत्रालय में है, उसकी बर्खास्तगी नहीं की गई है। लेकिन ये तो एक मिसाल है। किसान जानते हैं कि कुछ सालों से कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनकी सुनवाई सरकार में नहीं रही। इसीलिए किसानों के लिए हमने तय किया है कि आपके कर्जे माफ करेंगे। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पहले 32,000 रुपए के कर्ज माफ किए थे। तो ये माफ करिए, 72,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ किए थे। तो आप सब जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं आप जानते हैं। आपको धान का दाम मिलता, यूरिया महंगा हो गया है, खाद महंगी हो गई है, बिजली के बिल आपको भरने पड़ते हैं बड़े बड़े, और कमाई करना मुश्किल हो जाता है। आप कर्ज में डूब रहे हैं, इसीलिए हमने ये निर्णय लिया कि आपके कर्ज माफ किए जाएंगे। इसके साथ साथ जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार 2500 में धान खरीद रही है, उस तरह से हम यहाँ भी 2500 में गेहूं धान खरीदेंगे और 400 का गन्ना का आपको दाम मिलेगा। जब बिजली बिल की बात कर रहे हैं तो कोरोना काल के समय जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे बिजनेस हैं, व्यापारी हैं, जिनका धंधा, जिनका काम एकदम बंद हुआ, उनको फिर भी बिजली के बिल बड़े बड़े भरने पड़े और पूरे कोरोना काल के समय कमाई नहीं कर पाए। इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है कि कोरोना काल के समय जो आपने बिजली के बिल भरे उनको हम माफ कर देंगे। सबका बिजली बिल हाफ भी होगा। इसके साथ साथ कोरोना काल में जो गरीब परिवार थे, जिनकी बहुत आर्थिक मार हुई, जो कमा नहीं पा रहे थे, जो बाहर जा नहीं पा रहे थे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, उनके लिए हमने निर्णय लिया है कि 25,000 रुपए उनको मिलेंगे। जो सरकारी रोजगार 20 लाख देना चाहते हैं, लेकिन इसमें मैं खास तौर से कहना चाहती हूँ कि पिछले 2 सालों में मैं बहुत संविदा कर्मियों से मिली, कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम करते हैं उनसे मिली, और उन सब ने मुझे अपनी समस्याएं बताई। उसमें अध्यापिका भी हैं, टीचर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी भी हैं, अनेक काम करने वाले लोग हैं, और उनका पूरी तरह से शोषण किया गया है। तो खास तौर से मैं कहना चाहती हूँ कि उनका नियमितीकरण करने का हमने निर्णय लिया है। हमारी सरकार आएगी तो सबका नियमितीकरण हम करेंगे। तो ये हमारी मुख्य प्रतिज्ञाएं हैं। इस यात्रा द्वारा ये प्रतिज्ञाएं गांव-गांव तक पहुंचेंगी और जन-जन तक हम बताएंगे, जन-जन को बताएंगे कि हमने ये निर्णय क्यों लिए और किस तरह से निर्णयों को हम पूरा कर सकेंगे। तो आप सबकी इस यात्रा में भागीदारी के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान। तो प्रियंका गांधी को आपने सुना, बाराबंकी से सीधी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। कोरोना काल में रोजगार खोने वालों को 25,000
रुपए देंगे, तमाम तरीके की बातें यहां पर उन्होंने की, वादे यहां पर करती वो नजर आई। यूपी कांग्रेस ने यहां से प्रतिज्ञा यात्रा का शुभारंभ कर दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान भी इस बीच किया, तो बड़ा ऐलान उनकी ओर से किया गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की ओर से महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी करेंगे, ये उनकी ओर से कहा गया। महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी होगा। इसके अलावा किसानों के कर्ज माफ करेंगे, ये प्रियंका गांधी ने कहा। किसानों को लेकर प्रियंका गांधी का ये बड़ा ऐलान कि कर्ज माफ किए जाएंगे।